नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज। मैं हूं मेरा जबी। संभल मिड डे मील भोजन के नाम पर बच्चों से खिलवाड़। रोटी सब्जी की जगह बच्चों को परोसी जा रही है दाल। गुन्नौर ब्लॉक के सिरोरा काजी के मजरा नगलिया के प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन में नहीं मिल रहा बच्चों को मेन्यू के अनुसार खाना। बच्चों का कहना है कि उन्हें ज्यादातर चावल खाने को मिल रहे हैं। गुन्नौर ब्लॉक के गांव सिरोरा काजी के मजरा नगरिया के प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन दिए जाने की बजाय प्रधानाध्यापक की मर्जी के द्वारा मनमाना भोजन परोसा जा रहा है। बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। सोमवार को विशेष भोजन के तहत बच्चों को रोटी, सोयाबीन की बड़ी की सब्जी दी जाती है, लेकिन विद्यालय में रोटी व सोयाबीन बड़ी की सब्जी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ दाल चावल परोसे जा रहे हैं। बच्चों ने बताया कि समूह के मेन्यू अनुसार भोजन देने की बात की जाती है तो डांट फटकार कर बच्चों को चुप करा दिया जाता है। मजबूरी में बच्चे जो मिल रहे हैं वही खा लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में संचालित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, लेकिन जिले में पदस्थ गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा कभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही भोजन की जांच के लिए कोई जहमत नहीं उठाई जा रही है। बच्चों की उपस्थिति भी कम है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने का एक मुख्य कारण यह भी है कि छात्र छात्राओं की स्कूलों में इस उपस्थिति बढ़ती रहे। योजना का अमल वंचालन क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा है। ब्लॉक की सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम होती जा रही है, लेकिन स्कूलों में साफ सफाई भी नहीं है। पानी की भी टंकियों पर काई जमी हुई है और टॉयलेट में भी गंदगी है, और प्रधानाध्यापक नहीं तो स्कूल में कोई नया मेनू लिखवाया है बल्कि पहले का ही मेनू लिखा हुआ है, जबकि और स्कूलों में 5 क्लास के बच्चे आते हैं, 4 या 5 ही, लेकिन रजिस्टर में लिखे जाते 14 या 15 बच्चे हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन बच्चों को मेन्यू के अनुसार नहीं।